गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब लोग अपने गार्डन में काम कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम से करेंगे तो नेचुरल है आगे आने वाले सीज़न का वो आप एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, अच्छी मिट्टी का साइन आप देख रहे हैं, मशरूम यानी वो छतरियाँ सी उग रही हैं। ये आपकी साइन है, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है। और एक देख रहे होंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा सा पड़ा हुआ है। लकड़ी नहीं है ये, एक्चुअली सारा जो मैं कट करती हूँ, चॉप करती हूँ और उसको मैं रख देती हूँ, उसका कोई स्टेम वगैरह है। और देखिए, वाइट फंगस ये इस पौधे को कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इसे देखकर आप अगर कोई भी फंजीसाइड यूज़ करते हैं केमिकल वाला, तो मत कर दीजिएगा, क्योंकि केमिकल फंजीसाइड जो होता है, चाहे वो कोई से भी ब्रांड का हो, वो क्या करता है, अगर वो नेचुरल वो ऑर्गेनिक नहीं है तो वो अच्छी वाली फंगस को भी मार देता है। और आपको मैं कई वीडियोस में बता रही हूँ कि फंगस अच्छी भी होती है, तो प्लीज़ फंजीसाइड जो भी आप केमिकल फंजीसाइड यूज़ करते हैं उनको यूज़ मत करा करिए। और आज एक ग्रुप में मैसेज था कि अपराजिता पे एक स्टिक गाड़ी हुई थी, उस पर मशरूम अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो देखिए, मेरा तो ये एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ही आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर के कितने सारे मशरूम्स की वैरायटी हैं। जैसे ये देखिए अलग है, छोटी सी आप दिख रहे होंगे वाइट कलर की, ये बड़ी वाली अलग है। इनके नाम देखिए मुझे नहीं पता है, बट ये देखिए दोनों साइड में ये आई हुई हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ी को के लिए ये आती हैं, और जहाँ नमी इनको मिलती है वहाँ पर बारिश के दिनों में या थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल हाई होता है तो ये आने लगती हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये विंका की वैरायटी है, हाइब्रिड वाली, फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट नहीं है ये, सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट बहुत डार्क कलर था, ये उसके बीच से सेकेंड जनरेशन आई, ये और थोड़ा सा लाइट हुआ, थर्ड जनरेशन आई, और ये भी उसी का सीड है। देखिए फोर्थ जनरेशन इसका क्या कलर निकल कर आया है। तो आपके यहाँ अगर हाइब्रिड विंका उगा हुआ है और उसके कहीं पौधे निकलते रहते हैं, तो वेट करिएगा बड़ा होके खिलने तक का, कि क्या पता आपकी लॉटरी निकल जाए जैसे मेरे यहाँ हो रहा है। अलग अलग कलर्स अपने आप आए जा रहे हैं। मिट्टी तैयार करनी शुरू कर दी है, देखिए सब चीज़ें सब पड़ा हुआ है, पॉट्स भर रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे गोलियाँ गोलियाँ सी, छोटे छोटे सी शेप में, तो ये पता है क्या है, ये ना तो चूहे की विष्ठा है ना ही किसी और जीव की, ये है जो ग्रव, वाइट कलर के ग्रव आते हैं ना मोटे मोटे से, ये एक थैली के अंदर उपले रखे हुए थे और उनमें चला गया था बारिश का पानी। इसके अंदर आए बीटल्स ने अपनी एग लेइंग की, लार्वा बने, और उसके बाद में देखिए ये उसके अंडे हैं। ये अंडे क्या मतलब, इनके अंदर ये बीटल्स है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने मुझे पता नहीं था ये गोलियाँ सी थी। देखिए ये उसके इनके अंदर सबके अंदर बीटल्स हैं, ये आप गोले गोले से देख रहे हैं। ये तो मैंने दो फोड़ दिए थे, मतलब गलती से फूट गए थे मुझसे, तो दोनों के अंदर से देखिए ये निकल आए हैं। एक तो देखिए ये रहा और देखिए एक ये रहा। तो बस मैं कुछ नहीं करूँगी, इनको किसी भी पॉट में रख दूँगी तो ये सारे अपने आप फूट जाएंगे और ये फिर निकल कर यहाँ से उड़ जाएंगे। और देखिए कितनी बढ़िया खाद बनाई है इन्होंने, गोबर का कहीं उपले का कहीं नामो निशान नहीं है, एकदम बढ़िया फाइन जो है आपका ये बन चुका है खाद। तो इसको मैं पॉट्स में यूज़ करूँगी। और आज है 30 तारीख, तो आज जैसे कि यूनिवर्सल डेट है, तो कई लोगों की क्वेरीज थी कल कि मैम बीज लगा लें, हमारे यहाँ टेम्परेचर अभी बहुत हाई है। तो देखिए सुबह शाम जैसे ठंडा मौसम हो गया है, तो जो आपको कप्स में लगाने हैं वो भी लगा लीजिए। और मेरे हिसाब से अब देखिए डे बाई डे टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही होता जाएगा, तो बैच में लगाइएगा, एक साथ सारे बीज मत डाल दीजिएगा, थोड़ा 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 करके उगाइएगा। और कोई भी सब्ज़ी जो है 15-15 दिन के गैप में लगाइएगा, जिससे कि पूरी सर्दियां आपको कोई भी सब्ज़ी जो है खाने को मिल सके। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो देखिए आप लगा सकते हैं ईजिली, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बैच में लगाइएगा। मैं भी कुछ सीड्स आज लगाऊंगी, मैं शेयर अब बार बार तो एक ही चीज़ क्या शेयर करना, देखिए कैसे लगाना है, तो मैं पुराने आपको लिंक दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि धनिया पालक वगैरह कैसे लगाना है, वो मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं तो आप वो देख लीजिएगा। दूसरा देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना नेचुरल तरीक़ों को यूज़ करते रहिए, आपका गार्डन जो है पेस्ट फ्री होता रहेगा, आपका गार्डन हेल्दी रहेगा, आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और जो आप जो मैं दिखाती हूँ आपके यहाँ कि मेरे यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है और नए नए मैजिक होते रहते हैं, तो ये सब आपके यहाँ अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे मतलब मित्र कीट भी आएंगे और शत्रु कीट भी आएंगे। और बायोडाइवर्सिटी जब मेंटेन हो जाती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस वो 2-3 जो मूल मंत्र मैं बताती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से हैं, उनको अप्लाई करिएगा। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, यकीन मानिएगा आपके यहाँ पर मैजिक होंगे ही होंगे। तो अपने गार्डन में सब तरीके के कीटों को आने दीजिए, मित्र कीट जो है वो शत्रु कीटों को अपने आप ही भगा देंगे।
तो आज की हर्बल टी का जुगाड़ हो गया है, क्योंकि मैं इन सबको सुखा कर रख रही हूँ, तो आप भी इनको कलेक्ट कर करके रखते जाइएगा, मिस मत करिएगा। सर्दियों में बहुत ही आपकी सेहत के लिए ये गुणकारी काम करेंगे, तो इकट्ठे करते रहिएगा, सुखाते रहिएगा और चाय बना के पीते रहिएगा। और जिनके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो कड़ी पत्ता खाना शुरू कर दीजिए, बहुत कमी आएगी। रोज़ कम से कम एक स्टेम इस तरीके से लीफ 5-6 वाली तोड़िए और खा लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और देखिए कितना छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने कटिंग लगाई थी 1 साल पहले और इस पर रेगुलर फ्लावरिंग हो रही है। बर्ड देख रहे हैं, फूल देख लीजिए। तो बस आप नेचर को सपोर्ट करिए, नेचर आपको सपोर्ट करेगी। वंस अगेन थैंक यू। जो भी लोग शेयर कर रहे हैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद, जो लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, और जो देख कर कृपा कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू।